Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पत्रकारों का काम क्या होता है, पत्रकारों का काम ये होता है कि कोई भी केस की अच्छे तरीके से जांच करें, पहल करें और फिर उसको अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश करें। क्योंकि मीडिया कर्मी और जो पत्रकारिता होती है वो लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो लोग जो है उन पर विश्वास करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं और उनकी बातों को सीरियसली लेकर अपने काम के बारे में सोचते हैं। जैसे कोई भी मामला हो गया, चाहे हम सरकार की जो वरीयता है, जो अहमतियता है उसकी बात करें या फिर कोई गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी की, बड़े मंत्री की बातों को लें, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं मीडिया से सामने आती है और मीडिया उसको प्रखर तरीके से लोगों के बीच अस्पष्टता के साथ पेश करती है। ऐसा लोग मानते हैं और ऐसा लोग सोचते हैं कि जो मीडिया दिखा रही है शायद वो सही है, जिसको लेकर वो आगे की अपनी प्रक्रिया तैयार करते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि कोई चीज़ गलत हो रही है और उस गलत में अगर ईडी, सीबीआई, पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस या कोई भी पुलिस उसकी जाँच के लिए भरसक प्रयास कर रही है कि उसकी निष्पक्ष जाँच हो और उसकी सत्यता तक पहुँचा जाए, लेकिन उसे बीच कुछ गिने चुने पत्रकार, दलाल पत्रकार अगर आकर उस केस का बायकॉट करने लगे तो आप उससे क्या समझिएगा। अगर कोई मामला है, पूरा देश उस मामले के सामने खड़ा है कि आपकी ये जो मामला है इसमें ईडी, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए और जो भी इस मामला को अंजाम दिया है उसकी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन उसे बीच में जो कि पूरी जनसंख्या यानी कि भारत की पूरी जो जनसंख्या वो चाहती है कि इस केस में उनको जो है अच्छे तरीके से उनका परिणाम जो है उनके आरोपियों को मिले, लेकिन कुछ गिने चुने पत्रकार अगर आकर उस केस को अपोज करने लगते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो पत्रकारिता का लेवल है वो कितना बड़ा है। तीन ऐसे पत्रकार हैं जो कि सुशांत सिंह मामले को लेकर डिवर्ट हुए हैं, यानी कि सीबीआई लोगों के मानसिकता के अपोजिट में ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं जिसके चलते आप सुनेंगे तो आपके भी खून खौल जाएंगे। जी हाँ, पहला नाम है आज तक के एक सबसे बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, उनका नाम है राजदीप देसाई के बारे में। राजदीप देसाई ने एक स्टेटमेंट दिया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बड़े ऐसे स्टार नहीं थे जिनको कि इतना हवा बनाया जा रहा है और उनकी सीबीआई जांच के लिए मांग की जा रही है और मुंबई पुलिस पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि पूरा देश जो चाहता है कि सीबीआई जांच हो और सुशांत के अपराधियों को न्याय मिले, लेकिन ये गिने चुने कुछ दलाल पत्रकार हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के अपोज में आते हैं। तो मैं राजदीप देसाई को यही समझाना चाहूँगा कि आप एक सीनियर पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देश के मंसूबे के खिलाफ जाते हैं तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता सही निष्पक्षता के साथ और सही जानकारी के साथ करिए, लेकिन अगर उससे पहले आप स्टेटमेंट देते हैं तो फिर आपके लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर कोई जांच सीबीआई ईडी कर रही है तो उसके अंजाम तक पहुंचेगी और उसके अंजाम की प्रतीक्षा चाहे आप पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे जज हो, चाहे कोई भी बड़े पदाधिकारी हो, आपको उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और आपका कोई अधिकार नहीं कि आप किसी भी केस में कुछ इस प्रकार की दलीलें दे जाए। तो ये थे राजदीप देसाई जो कि आज तक के सीनियर यानी कि इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अपने आप को जर्नलिस्ट मानते हैं और इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे को इस प्रकार की बातों में रखते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी पत्रकारिता का जो स्तर है वो कितना बड़ा है। दूसरा नाम आता है बरखा दत्त का। बरखा दत्त आप सभी को पता ही होगा कि एनडीटीवी से उठकर आई, रवीश कुमार काफी नाम लेते हैं उनके। हालांकि बरखा दत्त पहले के जमाने में यानी कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी पत्रकारिता के रूप में जानी जाती थी, लेकिन बरखा दत्त का जिस तरीके से एक स्टेटमेंट आया है और रिया चक्रवर्ती को ये सपोर्ट करती नजर आ रही है और जो सुशांत का मामला है वो पर्सनल एजेंडा को लेकर एक्सपोज करने की ये बातें बता रही है। अब आप सोचिए कि सुशांत सिंह राजपूत क्या अपने फैमिली के लिए जीवित थे, क्या सरकार को पैसा नहीं देते थे, उनके नाम से पूरा देश जो है संचालित नहीं होता था, उनके नाम से हमारे देश का भी नाम गौरव होता था, बिहार का भी जो लोगों का सीना है
गर्व से जो है चौड़ा होता था, और सुशांत सिंह राजपूत एक कलाकार थे जो कि लोगों को अपने माध्यम से, अपने प्रतिभा के माध्यम से लोगों को ऐसी चीजें देने चाहते थे जिससे लाखों करोड़ों लोग उनसे उत्साहित होकर अपने जीवन को बनाने में सक्षम हो पाते थे। लेकिन ये बरखा दत्त बबकट कटवाती है, पत्रकार बताई जाती हैं, देश की बहुत बड़ी पत्रकार बताई जाती हैं, और इस प्रकार की ये बयान दे रहे हैं कि ये पर्सनल एजेंडा है। बताइए, पर्सनल एजेंडा है, पूरा देश चाहता है। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि हर लोग जो है सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये गुने चुने पत्रकार जो हैं इस प्रकार के बयान देकर क्या दर्शाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में इनको बता दीजिए कि क्या दर्शाना चाहते हैं। तीसरा कोई है, ज्योति यादव है। ज्योति यादव एक जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रही हैं कि जो हमारे इस साइड के जो लोग होते हैं वो प्रेमिका को अलग भाव से देखते हैं, अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं, जिसके चलते वो किसी प्रेमी के प्रेमिका को सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसके चलते रिया चक्रवर्ती पर बहुत सारे आरोप लगाकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत क्या क्या मिस्टीरियस चीजें आई, क्या क्या नहीं आया सामने, और इसको लेकर इस प्रकार के एक पत्रकार का बयान देना इस मामले में, आप सोच सकते हैं कि इनका जो स्तर है वो कितना बड़ा है। और इसमें सबसे जो बेकार रोल है वो प्रिंट मीडिया और ये सोशल मीडिया तो है ही, सोशल मीडिया के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो बड़े ब्रॉडकास्ट वाले चैनल बात करते हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए दो दिन खबरें चलाए लेकिन उनके न्याय के लिए कोई भी खबर नहीं चलाया। और जब के सिंह ने दोबारा फाइल दर्ज की उसके बाद से मीडिया भी एक्टिव हो गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज भले वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, उसकी जांच निष्पक्षता के साथ, ये आपका अधिकार है स्वतंत्र नागरिक होने के नाते। और हम लोग न्यायपालिका में जीते हैं, हम लोग जो है कार्यपालिका में जीते हैं, तो इसके माध्यम से हमें किसी भी छोटी बड़ी चाहे कितना भी बड़ा हो उसकी जांच अच्छे तरीके से होनी चाहिए और उसको न्याय मिलनी चाहिए। लेकिन राजदीप देसाई को तो ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत स्टार ही नहीं थे। भाई, स्टार से क्या मतलब है, कोई स्टार ना हो या फिर हो, अगर छोटे लोगों की हत्या कर दी जाती है तो क्या वो ह्यूमन राइट्स है, क्या वो हमारे देश के सम्मान के प्रति जैसा है, ऐसा तो नहीं है। छोटे लोगों की भी जांच होनी चाहिए, बड़े लोगों की भी जांच होना चाहिए। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत एक नामी चेहरा थे और आप इस प्रकार का बयान देकर कहीं ना कहीं अपनी जो निज पत्रकारिता है उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या विचार है, क्या ये तीनों पत्रकारों को सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर ऐसा बोलना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो इनको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किसी के भी खिलाफ और किसी के भी बारे में इस प्रकार की स्टेटमेंट देना कतई बर्दाश्त नहीं हमारे देश के नागरिकों को, खास करके पत्रकार जो कि निष्पक्षता के साथ और अपने विश्वास के साथ लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को अपना संदेश देने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार के जांच में अगर ऐसे पत्रकार जब सामने आते हैं जो कि एक नामी जानी पहचानी चेहरा माने जाते हैं और इस प्रकार का स्टेटमेंट जब आता है तो लोगों का जो खून खौलता है वो खौल कर और भी उससे दुगना हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इन पत्रकारों को समझाएं कमेंट बॉक्स में कि ये जो कह रहे हैं क्या वो सही है, या फिर पूरे देश का लगभग 130 करोड़ जनसंख्या का जो खून खोल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के आरोपियों को पकड़ने के लिए वो सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।